22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय करीब है। ऐसे में रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले वीआईपी मेहमानों के रुकने के लिए खास इंतजाम किया गया है, जिसमें 5-स्टार होटलों जैसी सुविधाएं होंगी। इस लग्जरी टेंट सिटी में पीएम, सीएम और फिल्म जगत के बड़े कलाकारों के रुकने, खाने पीने और तमाम सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई है। टेंट सिटी में 5-स्टार होटलों की तरह सुविधाएं दी गई है, जैसे एयर कंडीशनर, लग्जरी बेडरूम, इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अभी भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ वीआईपी रुकेंगे, उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें तीन हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा वीआईपी है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डिलक्स रूम है, जिसमें उससे नीचे वाले लोग रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे उनके लिए हमने इंतज़ाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे? हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं, एक में वीआईपी डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के या रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। इस टेंट सिटी को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से बनवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया।